HRGKYBK YouTube चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने अमित वशिष्ठ की आज जोड़कर नमस्कार, राम राम। और भाई जितना प्यार दिया उस खातर बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा तो मैंने बोलना हाउ को नहीं, लेकिन समझ लियो या जो स्माइल है वह थारे खातर है। तो पिछली वीडियो में अपन विटामिन की शुरुआत करी थी और विटामिन का खोजकर्ता बताई थी, विटामिन की थ्योरी किसने दी थी वह बताई थी, विटामिन के प्रकार बताई थी। तो ये समय कीमती है और समय को व्यर्थ किए बिना मैं टॉपिक शुरू करना चाहूँगा। तो आज जो पहला विटामिन है वो पढ़ाएंगे, विटामिन ए। ठीक है भाई, विटामिन ए में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है। भाई सबसे पहला पूछा जाएगा नाम इसका रासायनिक नाम, अंग्रेजी में बोलोगे तो इसका केमिकल नेम। ठीक है भाई, कई बच्चों की शिकायत थी सर इंग्लिश में नहीं बताया जा रहा, टेंशन ना लो, इंग्लिश में भी बतावांगे, हिंदी में भी बताएंगे और हरियाणवी में भी बतावांगे, तीनों भाषाओं में, टेंशन फ्री रहो। तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल, रेटिनोल है, और हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, रेटिनोल ही बोलते हैं। ठीक है, रेटिनोल शब्द को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपने एक नया शब्द दिखेगा, वो है रेटिना, समझ रहे हो। तो मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि रेटिनोल का संबंध किससे है, रेटिना से है, और रेटिना का संबंध किससे है, आंख से है। होता क्या है, हमारी आंख में एक पर्दा होता है जिस पर चित्र बनता है, उस पर्दे को क्या नाम दिया गया है, रेटिना दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है अगर विटामिन ए की शरीर में कमजोरी हो जाए, कमी आ जाए विटामिन ए की, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको उठानी पड़ेगी, आंख को उठानी पड़ेगी। ठीक है जी, ये कैसे उठानी पड़ेगी वो आंख को पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, उससे पहले एक बार देखो विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत का मतलब है सोर्स, यानी विटामिन ए मिलता कहां कहां से है। तो विटामिन ए गाजर में मिला है भाई, कैरेट, और सबसे ज्यादा मिलता, ध्यान रखियो, गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, पपीता में मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आम में मिलता है, या जितने भी पीले फल हैं, पीले फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सका है, पीले फलों में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए, और पूछ सका विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए पीले फल। ठीक है, पपीता, आम, या फिर मछली के तेल में भी पाया जाता है, मछली के तेल में भी पाया जाता है। और अगला सवाल पूछ सकता है, ये मछली के तेल के अलावा सेब में भी पाया जाता है, और एक फसल होती है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस का मतलब है सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, सुनहरे चावल में भी क्या पाया जाता है साथियों, विटामिन ए पाया जाता है। अब यहां से कंफ्यूजिंग प्रश्न बनता है कि जो सुनहरा चावल के है, कड़ताव है, कै रुपये किलो मिला है, दुकान पर जाकर पूछ लियो, रेट मन भी नहीं बेरा इसका के हो है, लेकिन सुनहरा चावल जो है, सुनहरा चावल से प्रश्न बना वो ये है कि ये जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप का मतलब है ये जीएम फसल है। कहोगे जी जीएम फसल क्यों है, तो जीएम का मतलब है जेनेटिकली, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी हिंदी में कहूं तो मैं है इसको कहूंगा अनुवांशिक, अनुवांशिक रूप से विकसित, अनुवांशिक रूप से विकसित। ठीक है भाई, यानी आपने देखा होगा पहले जो गेहूं आते थे ना, या तो वो छोटे आया करते, मतलब या तो उनमें गेहूं लिकड़ा करते, या फिर वो लंबे बद जाया करते, मतलब या उनमें तूड़ी, लेकिन आजकल हाइब्रिड नस्ल आओ हैं उनमें गेहूं भी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, 60-60, 50-50, 60-60 मन लिकड़ा किला में, और तूड़ी भी बहुत बन जाया है। तो वो कैसी है, विकसित, अनुवांशिक रूप से विकसित फसलें हैं, और वैसे भी चावल की एक किस्म है जो अनुवांशिक रूप से विकसित की जाती है, उसका नाम क्या है, गोल्डन राइस। ठीक है भाई, और यहां से एक चीज और याद कर लेना, जीएम काउंटर और होता है एक, चलो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बताओगे, जीएम काउंटर एक डिवाइस है, एक यंत्र है जो क्या मापता है आपने बताना है। ठीक है, अब अगला जो सवाल बनता है वो ये है कि सोर्स बता दिया, सोर्स के बाद इसके काम क्या है, काम तो बहुत सारे हैं लेकिन मेजर काम सुनो क्या क्या है, ये इंफेक्शन को रोकता है, इंफेक्शन को रोकता है, इंफेक्शन समझ गए होगे, संक्रमणता, संक्रमण को रोकता है। संक्रमण क्या होता है, मान लो किसी आपके दोस्त का जुखाम हो रहा है और आप उसका दौरा बैठोगे, उसके गले रोटी खाओगे तो आपका भी हो जाएगा जुखाम, वो किसके कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण, यानी संक्रमण के कारण, समझ रहे हो। लेकिन सोच कर देखो, एक दो दोस्त हैं, एक यो है, इसका जुखाम हो रहा है, इसका सारा एक यो बैठ गया और इसके पास एक ये बैठ गया, जुखाम इसका है लेकिन इसका जुखाम नहीं होया और इसको हो गया, समझ रहे हो, मतलब संक्रमण इसमें फैल गया इसमें नहीं फैला। तो ये किस कारण से है, क्योंकि विटामिन ए अगर आप ले रहे हो अपनी डाइट में तो आपको क्या मिलेगा,
संक्रमण से रक्षा मिलेगी, पहली बात, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है साथियों, दूसरा इसका काम है ये स्किन पर झुर्रियां पड़ने से रोकता है। स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती है, आपने देखा स्किन पर झुर्री पड़ जाए हैं जिसके कारण स्किन बूटी लगने लगती है, उसको रोकने का काम कौन करता है? विटामिन ए करता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप गाजर खाया करो, पपीता खाया करो, आम खाया करो, ज्यादा आम भी नहीं खानी है नहीं तो गुमड़ी भी लिख जाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज थी अपनी विटामिन ए के बारे में। आगे विटामिन ए के बारे में प्रश्न है कि विटामिन ए का निर्माण कैसे होता है, कैसे ये बनता है, तो एक बार मैं इसके लिए साफ करना चाहूंगा बोर्ड। भाई कमेंट्स में इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया उसके लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद, और बालकिशन सर का भी तहे दिल से धन्यवाद, उन्होंने इतने छात्रों के साथ सामूहिक रूप से जुड़ने का मौका दिया है। तो आगे प्रश्न बनेगा साथियों कि इसका निर्माण कैसे होता है। कल मैंने आपको बताया था कि अपने शरीर में फैट सोल्यूबल का मतलब है वसा में घुलने वाले, वसा में घुलनशील चार प्रकार के विटामिन है, ए है, डी है, ई और के है, ठीक है ना जी। ए और डी का जो निर्माण है वो कहां होता है? हमारे शरीर में होता है। अब विटामिन ए का निर्माण शरीर में कैसे हुआ आप देखो, एक जैसे आपने गाजर खाई, गाजर में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है, बात समझ रहे हो। जितने भी विटामिन ए के स्रोत है उनमें विटामिन ए नहीं होता, उनमें बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन को लीवर किस में बदल देता है? विटामिन ए में, बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप ये नहीं कह सकते गाजर में विटामिन ए है, गाजर में क्या होता है? बीटा कैरोटीन, और जिसको हमारा लीवर क्या करता है? बदल देता है विटामिन ए में। तो दूसरा सवाल बन सका है कि शरीर में कौन सा विटामिन बनाया है, तो शरीर में साथियों विटामिन ए बनाया है, और किसने बनाया है? लीवर ने बनाया है, और बीटा कैरोटीन से बनाया है, ठीक है। और बीटा कैरोटीन कहां से प्राप्त हुआ भी बताया था, ठीक। उसके बाद आपने देखा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनोल है नहीं, और रेटिनोल का संबंध किससे है? रेटिना से है, और रेटिना का संबंध किससे है? आंख से है, इसीलिए हमको एक बार आंख पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। आंख के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं और आंख का एक बार। आंख देखो भाई ये है, आंख जो है एक बार मैं उसको खोल के लिख देता हूं, आंख की चार परत है, एक परत, दो, तीन, और ये चार परत आंखों की। कैसे होता है देखो एक बार, सबसे पहली परत है उसको बोलते हैं कंजक्टिवा, हिंदी में भी क्या बोलोगे? कंजक्टिवा। दूसरी जो परत है उसको बोलते हैं कॉर्निया, हिंदी में भी क्या बोलोगे? कॉर्निया, ठीक है जी। तीसरा जो है वो है लेंस, ठीक है। सवाल पूछा जाएगा कौन सा लेंस है, आपको होगी ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में बोलोगे तो कौन सा लेंस है साथियों? उत्तल लेंस, समझ रहे हो। और उसके बाद आखिरी जो है ये आंख का पर्दा है, ये पर्दा है, समझ रहे हो। और इसी पर्दे को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रेटिना, और अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं? रेटिना, बात समझो हो। इब आपको ये पर्दा के है के काम आ हो पर्दा, तो साथी देखो आपने सुना होगा कि लाइट जो है, अगर मान लो लाइट बंद कर दूं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लाइट जो हमें चीजों को देखने में मदद करती, कैसे करती देखो, मान लो शीशा है, शीशा मतलब दर्पण है, इसमें आप अपनी शक्ल देख रहे हो, कैसे दिखती है भाई? लाइट की किरणें आई और एक पॉइंट पे आके मिलती है भाई, प्रकाश की किरणें आई और एक बिंदु पर आके मिलेंगी, और जैसे ही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिलती हैं तो चित्र बनता है, और उसी चित्र के कारण हमें अपनी शक्ल दिखाई पड़ती है। और ये अगर फिजिक्स में पढ़ना फिलहाल खातर इतना समझ लो कि इस पर्दे पे बाहर से लाइट आएगी इस पर्दे पे, और वो किरणें आपस में मिलेंगी इस पर्दे पे, और जैसे ही किरणें मिलेंगी तो चित्र बनेगा रेटिना पर, बात समझ में आई है? ये चीज है, ध्यान रखियो। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो उल्टा होता है, और ध्यान रखियो जो उल्टा चित्र बनता है वो रियल यानी वास्तविक होता है, इसको आगे समझना है हमें फिजिक्स में, ठीक है। अब कंजक्टिवा देखो क्या है, आप सोच कर देखो, प्रकाश की किरण आई, यहां से आएगी गुजरेगी, ठीक है, इसमें से वहां पहुंचना है तो इसमें से भी गुजरना पड़ेगा, इसमें से भी गुजरना पड़ेगा, और इसमें से भी गुजरना पड़ेगा, है या नहीं है? समझ रहे हो, यहां से गुजरना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये गुजरना पड़ेगा इसको।
तो कैन का मतलब ये भी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है और ये भी पारदर्शी है। लेंस तो होता ही पारदर्शी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कंजक्टिवा क्या है, आंख की पहली पारदर्शी परत है, ठीक है। कॉर्निया क्या है, ये आंख की दूसरी पारदर्शी परत है, समझ रहे हो भाई। और ध्यान रखिए ये पारदर्शी परत होने के साथ एक चिपचिपा पदार्थ है, ये चिपचिपे पदार्थ से बनी होती है, चिपचिपे पदार्थ, जिस तरह वैसलीन हो ना उस डाल, चिपचिपे पदार्थ से बनी होती है। बात समझ में आई। आगे इससे और सवाल बन सका है, जब मान लो नेत्र दान करते तो उसमें पूरी आंख दान नहीं दी जाती, उसमें कॉर्निया ही दान दिया जाता है। कहने का मतलब नेत्र दान में कॉर्निया ही दान दिया जाता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई है। अगली बात, जो अपना लेंस है ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है। आप सोच के देखो अगर इस लेंस पे धूल जम जाए, अगर इस लेंस पे धूल जम जाती है, मान लो धूल जमगी, धूल जमेगी तो प्रकाश की किरण इसको पार नहीं कर पाएंगे, प्रकाश की किरण इसको पार नहीं कर पाई, और प्रकाश की किरण पार नहीं करेंगे तो चित्र नहीं बनेगा, तो आंखों में दिक्कत आ जाएगी, आदमी को दिखेगा नहीं। तो लेंस पर धूल जमने के कारण एक रोग होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद, यानी इसको बोलते हैं कैटरेक्ट अंग्रेजी में, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मोतियाबिंद होने का कारण क्या है, तो आप कहोगे जी मोतियाबिंद का कारण है हमारे आंख में एक लेंस होता है उसके ऊपर धूल जम जाती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई होगी, ठीक। अब बात करेंगे कॉर्निया में क्या दिक्कत हो सके, कॉर्निया में दिक्कत समझो, जो अपना जो कॉर्निया है आपने देखा है कि कॉर्निया जो है वो पारदर्शी परत है और ये चिपचिपे पदार्थ से बनी होती है, लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो गई, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, कॉर्निया सूख जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, और कॉर्निया अगर सूख गया तो इसमें क्या प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, अगर प्रकाश बाहर नहीं गया तो इसका मतलब ये लेंस पे नहीं पूछेगा, लेंस पे नहीं पूछेगा तो रेटिना पर नहीं पूछेगा, और रेटिना पर नहीं पूछेगा तो चित्र नहीं बनेगा, और चित्र नहीं बनेगा तो कीमे नहीं दिखेगा। इसका कारण क्या, कॉर्निया सूखने से क्या होता है, अंधापन हो जाता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ रहे हो। दूसरी बात, इस बीमारी को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सूखी आंख। क्यों बोलना है, आप खुद अंदाजा लगा सको हो कि इसमें क्या होता है, आंख सूख जाती है, कॉर्निया सूख जाता है, बस सिंपल चीज, सूखी आंख या फिर ड्राई आई, या फिर इसको बोलते हैं जेरोपैथेलमिया, समझ रहे हो, ये बीमारी बोलते हैं। अब आपके मन में एक चीज आई होगी जी, इसका कि मैं इलाज है सूखी आंख का, बिल्कुल इलाज है। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, वो इसका इलाज है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है भाई। तो ये थी कॉर्निया में दिक्कत का कारण, कॉर्निया पढ़ा, कॉर्निया क्या है, नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान दिया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा कॉर्निया क्या है, हमारी आंख की दूसरी पारदर्शी परत है, किससे बनी है, चिपचिपे पदार्थ से बनी होती है, लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो जाती शरीर में तो उसके कारण ये कॉर्निया क्या हो जाता है, सूख जाता है, और कॉर्निया सूख जाएगा तो उसके कारण हमारी आंख से प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंचेगा, रेटिना तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा, चित्र नहीं बनेगा, चित्र नहीं बनेगा तो आदमी अंधा हो जाएगा, और इसी को अपन कहते हैं, इसी को सुखिया कहते हैं, इसी को ड्राई आई कहते हैं, इसी को जेरोफेथेलमिया कहते हैं। ये थी बात कॉर्निया के बारे में, ठीक है। अब लेंस के बारे में अपन क्या पढ़ा, आंख में कौन सा लेंस होता है, आंख में लेंस होता है कौन सा, कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। लेंस के ऊपर अगर धूल मिट्टी जम जाती है तो क्या होता है, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट। ये तो चीज थी किसकी, भला अपने लेंस की। अब पढ़ते हैं क्या, अगर दिक्कत हो जाए रेटिना में, समझ रहे हो, तो रेटिना में दिक्कत होने के कारण बीमारी कौन सी होती है, और विटामिन ए के साथ उनका के लिंक है वो समझेंगे, ठीक है जी। एक बार मैं साफ करना चाहूंगा इस चीज ने, देखो भाई रेटिना के है, जो रेटिना है उसके दो हिस्से हैं, एक तो है रोड जिसको रोड बोलते हैं, ठीक है, दूसरा जो हिस्सा है वो कोड, हिंदी में भी कोड बोलते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखिए जो रोड है ना, जो रोड है उसका जो निर्माण है वो रोडोप्सिन सेल से होता है,
रोडोप्सिन कोशिका से निर्माण होता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे। और रोडोप्सिन कोशिका जो है वो बनती कब है भाई, विटामिन ए जो है वो किसका निर्माण करता है, रोडोप्सिन कोशिका का। और रोडोप्सिन कोशिका के कारण क्या बनता है, रोड बनता है, बात समझ में आई। और रोड के कारण क्या बनती है, रेटिना बनती है, बात समझ में आई ना। अब रोडोप्सिन कोशिका का यानी रोड का काम क्या है, रोड का काम क्या है, इसका काम है डिम लाइट में देखने में मदद करता है, डिम लाइट में देखने में ये क्या करता है, मदद करता है। आप एक बात सोचो, अगर विटामिन ए की शरीर में कमी होगी तो रोडोप्सिन सेल बनने में मुश्किल पैदा होगी, और रोडोप्सिन सेल मुश्किल बनेंगी तो रोड मुश्किल बनेंगी, और रोड अगर मुश्किल बनेंगी तो इसका मतलब डिम लाइट में देखने में हमें परेशानी होगी, और इसी के कारण क्या होता है हमारे शरीर में रात की अंधता होती है, यानी रात में नहीं दिखता, या ये कह सकते हो डिम लाइट में नहीं दिखता, या इसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, बात समझ रहे हो, रात में नहीं दिखता, या इसको बोलते हैं रतौंधी। तो तभी तो आपने वन लाइनर प्रश्न पढ़े होंगे बहुत बार कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। वास्तव में रीजन आज समझ में आया होगा, विटामिन ए की कमी के कारण वास्तव में क्या है, रोडोप्सिन कोशिका नहीं बनती, और रोडोप्सिन कोशिका का काम क्या होता है, डिम लाइट में देखने में मदद करती है, और डिम लाइट में नहीं दिखेगा तो रोग कौन सा हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। बात समझ में आई है, आई हो तो कमेंट जरूर कर दियो। उसके बाद ये कोड यो क्यों है, कोड जो सबसे पहली बात है कि इसका निर्माण कैसे होता है, वही बात, इसका निर्माण होता है कोडोप्सिन कोशिका से, कोडोप्सिन कोशिका किससे होगा भाई, कोडोप्सिन कोशिका से। काम क्या है इसका, इसका काम है कलर पहचानने में मदद करती है, कलर, कलर पहचानने में क्या करती है, मदद करती है। आप खुद सोच कर देखो, अगर ये रोडोप्सिन कोशिका नहीं हो तो हमारी आंख कलर नहीं पहचान पाएगी, बात समझ रहे हो, अगर कलर नहीं पहचान पाएगी तो शरीर में क्या हो जाएगी, वर्णांधता हो जाएगी, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, ये तो सब नबेरा है, कलर ब्लाइंडनेस क्यों है, इतनी बात समझ में आई है, क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी। आपसे मेरा सवाल है कि कौन कौन से कलर, कौन कौन से कलर नहीं दिखेंगे, एक कलर मैं पहले ही बता देता हूं ग्रीन, और एक कलर आपने खुद बताना है कौन सा कलर और नहीं दिखेगा। अगली चीज आपको कि जी इसका कोई इलाज है, तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है, क्यों नहीं है सुनो, क्योंकि ये जो कोडोप्सिन कोशिका है ये निषेचन के दौरान ही बनती है, निषेचन के दौरान इसका निर्माण होता है, मतलब जब बच्चा पेट में होता है उसी टाइम ये कोशिका बन लेती है, बाद में कोशिका नहीं बनती। अगर ये कोशिका बनेगी नहीं, इसमें दिक्कत अगर पैदा होगी तो इसका कोई इलाज नहीं है, कहने का मतलब ये बीमारी जो है वो जन्मजात बीमारी है, समझ रहे हो, या इसको कह सकते हो अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी कौन सी होती है, जो माता पिता से अगली पीढ़ी में चली जाए उस बीमारी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बीमारी, बात समझ रहे हो। अगली चीज एक और है, ये अनुवांशिक बीमारी है लेकिन इसका इलाज कोई नहीं, इसको ट्रांसफर कौन करेगा, मतलब अगर पिता को है तो आगे जाएगी नहीं, अगर मदर यानी माता को है तो अगली पीढ़ी में जाएगी। तो एक बार इस चीज को नोट करो फटाफट। तो साथियों आशा करता हूं आड़ती समझ में आया होगा, तो आपने समझा कि है रेटिना के दो हिस्से हैं, कौन कौन से, एक तो रोड और एक कोड, सारी बात समझ में आई होगी कहां कहां से बनते हैं। तो ओह सच है भाई, बालकिशन सर की बात ध्यान आ गई मेरा, ये मैं बता ही देता हूं, सर कहे थे कि एक आधा बालक तो इसे चीज में उड़ जा रहा है, जगह सवाल मास्टर ने पूछा उसका उत्तर नहीं पाया, तो आम नहीं जानते भाई मारे वजह तो कोई उड़ जाए टाइम खराब हो, बताया जहा एक ग्रीन है और एक रेड कलर, दो कलर इसे हैं जिनमें आदमी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है और उसको दिखते नहीं है, और ये जन्मजात हो जाते हैं, और इसको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कौन ले जाता है, मदर यानी माता लेके जाती है। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, फिर एक बार मैं ना आंख का छोटा सा डायग्राम बना दूं 30 सेकंड के अंदर, ताकि आपका ये चीज रिवाइज भी हो जाए, अपने दिमाग में जहन में बैठ जाए, ठीक है भाई, साफ करना चाहूंगा। तो चलो एक पर्सन तो छोड़ दिया था, वो बता दें भाई नो क्यों करवाई, एक छोड़ दिया, तभी अभी मैंने एक जीएम काउंटर बताया था आपकी, जीएम काउंटर जो है वो क्या मापता है, रेडियो एक्टिविटी मापता है, समझ रहे हो, क्या मापता है, ये रेडियो एक्टिविटी मापता है। लेकिन एक सवाल आपने खुद बताना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी का फादर कौन है, पिता कौन है, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा भाई हर हालत में।
और नहीं बताओगे तो केमिस्ट्री के टॉपिक वहीं केमिस्ट्री में करवाएंगे। अब देखो दोबारा मैं बना देता हूं एक बार डायग्राम। आपने देखा ये आंख की पहली परत है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कंजक्टिवा है। ये आंख की दूसरी पारदर्शी परत है जिसका नाम साथियों कॉर्निया है। ये आंख की तीसरी परत है, या इसको कह सकते हो ये लेंस है। क्या है ये लेंस, और कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। और उसके बाद ये रेटिना यानी पर्दा है। तो आपने देखा क्या है साथियों कि प्रकाश की किरणें यहां से गुजर रही हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं और ये लेंस में से गुजरने के बाद एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, समझ रहे हो, इकट्ठा होना पड़ा, क्योंकि चित्र बनने के लिए हमेशा प्रकाश की किरणों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर प्रकाश की किरणें मिली नहीं तो चित्र नहीं बनेगा। तो आपको एक चीज और समझ आई, ये लेंस करता क्या है, किरणें दूर से आ रही थी उनको इकट्ठा कर रहा है, समझ रहे हो, और इकट्ठा करने वाले लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, या हिंदी में बोलो तो अभिसारी लेंस। इतनी बात समझ में आई है। आपने देखा रेटिना पर चित्र बन गया, कैसा बना है, वास्तविक चित्र बना है। और ध्यान रखेंगे वास्तविक चित्र जो बनते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं, लेकिन गड़बड़ माचगी कि जी उल्टा चित्र बना तो आपा ना दिखा सीधा है और चित्र किसा बना उल्टा, तो जादू क्या होता वो देखो। या आंख का पर्दा है चित्र बन गया और आड़ दिमाग है, यो दिमाग रहा, समझ रहे हो, दिमाग से इस रेटिना तक एक नस जुड़ी होती है जिसको बोलते ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। इतनी बात समझ आई है, क्या बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व। और ये नर्व क्या करती है, चित्र को दिमाग के पास भेजती है और दिमाग अपने आप उसको सीधा करके देख लेता है। इसीलिए उल्टे चित्र भी हमारे दिमाग को सीधे दिखाई पड़ते, देख लो कितना ताकतवर अपना दिमाग है। अब एक प्रश्न और ध्यान रखे पड़ता है, ऑप्टिक नर्व में अगर समस्या आ जाएगी तो उस बीमारी को बोलते हैं ग्लूकोमा, ठीक है। तो पर्सन को माफी रखकर कुछ भी पूछ सके है, आप तो पूछ सके है ग्लूकोमा बीमारी किसकी, हाथ की, पाँव की है, नाक की है या आंख की है, तो आप क्या कहोगे, जी यार आंख की बीमारी है, आंख में भी किसके कारण हो है, ये ऑप्टिक नर्व में होती है। अब पूछ सके ऑप्टिक नर्व जो होती है वो कहां से कहां तक जुड़ी होती है, आप कहोगे जी किस तक, रेटिना से दिमाग तक जुड़ी होती है, बस सिंपल सी बात है। तो ये तो विटामिन ए से संबंधित बीमारियां थी आंख की, लेकिन आंख में दो बीमारी और होया करे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। वो भी मैं ये बताना चाहूंगा ताकि आंख टॉपिक पूरा हो जाए गिल गिल, ठीक है। एक बार भाई फिर सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो आंख में दो प्रकार की बीमारियां होती, वो ये ध्यान रखिए, जो दो बीमारी करवाऊ है ना ये विटामिन की कमी के कारण ना होंगी, ठीक से ये तो मैं नू करवाऊ ताकि आंख का टॉपिक पूरा हो जाए। तो एक तो है मायोपिया, ठीक है, इसने हिंदी बोलिया करें निकट वर्ती दोष, समझ आई है। और दूसरा है अपना साथियों हाइपर मेट्रोपिया, समझो हो, इसने बोलिया करें दूरदृष्टि दोष। इसमें उल्टा है, जो निकटवर्ती दोष है उसमें बीमारी क्या होती है, दूर की चीजें साफ नहीं दिखती, बात समझ आई है, दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि जो चित्र है, जो इमेज, आपको पता इमेज बनेगी लेकिन वो चित्र जो है वो क्या है, रेटिना से पहले बन जाता है, बात समझ में आई है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपने देखा कि हमारी आंख का एक लेंस है, ये लेंस है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है, समझ रहे हो। इस उत्तल लेंस के बाद हमारी क्या है, रेटिना है, यानी आंख का पर्दा है। अब कोई भी किरण बाहर से आई, ठीक है, कोई भी किरण बाहर से आई, ठीक, अब वो अगर 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 यहां पर चित्र बन गया, प्रकाश की किरणें अगर इस रेटिना पर आके मिलगी तो चित्र बन जाएगा, लेकिन इसमें होता क्या, चित्र रेटिना से पहले बनता है, मतलब पहले आके मिल जाती है। सोच कर देखो ये यहां आके मिलगी, ये यहां आके मिलगी, लेकिन मिलानी कहां थी, मिलानी थी रेटिना के ऊपर। अब रेटिना के ऊपर अगर मिलानी है तो इनको थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा। अब ये उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, फैलाने वाला नहीं, सिकुड़ाने वाला होता है। तो फैलाने वाला जो लेंस होता है इसका ठीक उल्टा होता है, अवतल लेंस।
अब अवतल लेंस अगर आपने लगा दिया, मान ले चश्मा पहन लिया, वो लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस अगर आपने लगा दिया तो होगा क्या साथियों, अवतल लेंस से जब किरणें गुजरेंगी, समझ रहे हो, अवतल लेंस से अगर किरणें गुजरेंगी तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और फैला देगा तो चित्र जो हो कहां बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। एक बार बना देता हूं मैं, कहां बन जाएगा भाई, रेटिना पर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? तो इसका जो इलाज है, मायोपिया का इलाज के है, वो अवतल लेंस का चश्मा क्या है, मायोपिया का इलाज होता है। इतनी बात समझ में आई है? तो अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं एक बार यो करवा देता हूं, फिर इसको भी रिपीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक उल्टा है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की चीजें नहीं दिखती, पास की चीजें साफ नहीं दिखती। बात समझ में आई है? पास की चीजें साफ क्यों नहीं दिखती, क्योंकि इसमें चित्र रेटिना से पहले बन रहा था और इसमें चित्र रेटिना से दूर बनता है। कैसे बनता है, एक बार डायग्राम से समझ लो। इसका डायग्राम ये है भाई, इस साइड बना रहा हूं, ठीक है। कैसे बनता, देखो आपने देखा ये रेटिना है और इससे पहले अपना क्या है, ये लेंस है। लेंस कौन सा, आंख का लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। आंख का लेंस है ये, आंख का लेंस, ठीक है। अब अगर रेटिना से दूर चित्र बन रहा है, मतलब कोई ना कोई किरण आई है, और किरण आई और अपना जो चित्र है उसका जो मिलान है, एक बार ये मान लो यहां आके मिल रही है, तो अगर रेटिना यहां है और चित्र वहां बन रहा है, इसका मतलब ये है चित्र रेटिना से दूर बनने लग रहा है। अगर आपको चित्र रेटिना पर बनाना है तो आप देखो ये दूर जाके मिल रही है, अगर इनको यहां मिलाना है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ए यहां। अगर रेटिना पर चित्र में बनाना है तो आपको इनको सिकुड़ाना पड़ेगा, और किरणों को सिकुड़ाने के लिए लेंस कौन सा चाहिए, वही उत्तल लेंस चाहिए। तो दोबारा अगर उत्तल लेंस आप लगा देते हो, लगा के देखो, दोबारा अगर उत्तल लेंस लगाया तो उत्तल लेंस लगाने के कारण क्या होता है, क्या होता है साथियों, कि ये जो है ये किरणें सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ जाके उनका चित्र कहां बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसका इलाज क्या होता है, आप खुद बताओगे इलाज क्या होता है, उनका इलाज होता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एक मिनट का समय लगेगा। आपने देखा कि मायोपिया जो हो निकटवर्ती दोष है, और निकटवर्ती दोष में साथियों होता क्या है कि दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि चित्र जो हो रेटिना से पहले बन जाता है। आपने देखा है चित्र रेटिना से पहले बनाया, अगर रेटिना के ऊपर बनाना है तो किरणों को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस। इतनी बात समझ में आई है? तो अवतल लेंस इसका इलाज है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूर दृष्टि दोष, उल्टा है क्या, पास की चीजें साफ नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि चित्र जो रेटिना से दूर बनता है, जैसे यहां बन रहा था चित्र, लेकिन बनाना कहां, यहां। कैसे बनेगा, इन किरणों को अगर सिकुड़ा दोगे, और सिकुड़ाने वाला लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस। बात समझ में आई, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और यह अभिसार करता है और यह चित्र बन जाता है। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो हाइपरमेट्रोपिया का इलाज क्या है, उत्तल लेंस है। तो साथियों इसी के साथ विदा लेते हैं, और एक बार फिर आपने सलाम, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।